नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खराब होके गलत प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनको एक नसीहत देते हैं अपने जिले के माध्यम से कि हम किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होंगे, किसी भी तरीके से गलत तरीके से प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो लोग हमसे सीख ले, आप गलत चीज से क्यों सीख लेना चाह रहे हो, बल्कि अच्छी सीख देने वाले बनना क्यों नहीं चाह रहे हो। आप अच्छी सीख देने वाले बने तो अच्छी सीख देने वाले बनने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। 24 आवर्स होते हैं आपके एक दिन में, उस दिन को गंदा करने के लिए 4-5 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप उस समय ही पूरा दिन बर्बाद कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए 24 आवर्स आपको लगातार सजग रहने की जरूरत होती है। तो हमें आपसे आशा है कि आप दूसरी जगह की गलत नसीहतें नहीं लेंगे और उनको उनका अनुकरण नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को एक संदेश देंगे कि देखो हम भी आपके बीच में हैं, हम भी इसी बिहार प्रांत के और इसी हिंदुस्तान के जिले हैं जो कि कोई इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे अपने यहाँ के लोग परेशान हों, हमारे अपने यहाँ के व्यवसायी परेशान हों, हमारी अपने यहाँ की जनता परेशान हो। सरकारी कार्यवाही करना तो हम करेंगे, जैसे अभी एसपी साहब बता रहे थे कुछ दिन कुछ बुजुर्ग भी थे, ये सपोर्ट थे जो बीच में अभी एक अध्यक्ष महोदय चले गए हैं और उन्होंने भी बताया था कि जरूर कुछ बुजुर्गों ने गुमराह किया होगा, निश्चित तौर पे गुमराह किया है। और कई बार आता है सर आपके साथ भी बैठे थे, तो जो हमारे साथ बैठे रहते हैं उनको ये कंफ्यूजन हो कि नहीं हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, हमें जानकारी रहती है और हमारी आंखें तो वैसे ही बहुत तेज रहती है, बहुत पीछे तक देखते हैं हम लोग और चारों तरफ देखते हैं, सिर्फ सामने ही नहीं देखते हैं, तो हम उनको भी जानते हैं और कार्रवाई होगी उनके ऊपर, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने और हम सबको बुलाते हैं और सबसे बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा बात करने वाले लोग वही होते हैं। तो यदि वो चाह लेंगे कि नहीं शांति नहीं भंग हो, तो निश्चित तौर पर शांति भंग नहीं होगी। तो हमारा जो पर्पज यहाँ पे है, हम लोग इसलिए नहीं बुलाए हैं कि हम कोई एक नया अपना माहौल क्रिएट करना चाहे, बट हम ये क्रिएट करना चाहे सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि हम सब लोग आपस में एक साथ हैं, हम लोग किसी भी तरीके से किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी का व्यवसाय का नुकसान नहीं होगा, लोगों की जो जिंदगी है वो निश्चित तौर पर सामान्य तरीके से चलती रहेगी, उसमें हर आदमी का जिसमें हमारे साथ आपका पक्ष और विपक्ष क्या है। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे बहकावे आपको दिए जाते हैं जो कि जो उनकी वास्तविकता से कहीं उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लोगों को एक माध्यम मिल गया है, अब उसको यदि सकारात्मक ढंग से आप पूर्ण माहौल में ही उसको विकसित होने देना है। लोगों की जो आम जिंदगी है, लोगों की जो व्यावसायिक जिंदगी है, लोगों की जो स्पष्ट चीज है कि लोकतांत्रिक तरीके ही मान्य है, कोई ऐसा तरीका जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, अलोकतांत्रिक हो, अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसकी अनुमति कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं दी जा सकती। वैचारिक व्यक्तियां हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है कि इस जिले में जितने धरना प्रदर्शन होते हैं, अब तो मुझे ये लगने लगा लग रहा है कि हो सकता है पटना में भी उतने होता रहता है और हम आपके जो धरना प्रदर्शन के मेमोरेंडम है सरकार को भेजते रहते हैं, तो इसलिए कभी कोई किसी तरह का यदि बाधा नहीं बना ली गई, उसके बाद कुछ गड़बड़ होता है कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की जरूरत है। इसी क्रम में हमने आज आप लोग स्पष्ट चीज है कि लोकतांत्रिक तरीके ही मान्य है, कोई ऐसा तरीका जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, अलोकतांत्रिक हो, अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसकी अनुमति कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं दी जा सकती। वैचारिक व्यक्तियां हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है कि इस जिले में जितने धरना प्रदर्शन होते हैं, अब तो मुझे ये लगने लगा लग रहा है कि हो सकता है पटना में भी उतने होता रहता है और हम आपके जो धरना प्रदर्शन के मेमोरेंडम है सरकार को भेजते रहते हैं, तो इसलिए कभी कोई किसी तरह का यदि बाधा नहीं बना ली गई, उसके बाद कुछ गड़बड़ होता है
कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की जरूरत थी, इसी क्रम में हमने आज आप लोग कार्यवाहियों का अनुसरण नहीं करें और बल्कि हम समाज के लिए एक नज़ीर पेश करें कि हम लोग अमन पसंद हो और किसी भी तरह की इसमें गलतियों को अंदर नहीं आने देंगे और समाज में शांति बना के रखें। कहीं कहीं देखा जा रहा है सर, कल पिछले दिनारा में भी कुछ लोगों ने जुलूस निकाला था, बिना परमिशन के जुलूस निकला था क्या सर? जो बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। जो इस मीटिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने संदेश दिया है कि आप यदि जुलूस निकालना चाह रहे हैं तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में हो लें, जो आपके कंट्रोल में रहेगा उसमें किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आएंगी, समाज के शरारती लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। निश्चित तौर पे उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई करें, प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी होगी, परमिशन दी जाएगी, तभी आप जुलूस निकालेंगे। और एक मुख्य अतिथि भी हम लोग बुला रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, और जिले भर के सारे बच्चे बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को चयन करना है ताकि वो जाकर के रोहतास जिले का नाम को रोशन करें। ये गोराडी ऑफिस का ये जन वितरण प्रणाली का ये दुकान का ये जो ऑफिस है ये खुलवे नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमसुल खान। मोहम्मद कहाँ से आए हैं आप? माछीपुर। कितना दिन से आते हैं यहाँ? यहाँ लगभग 5-7 बजे घूर के चले गए। क्या परेशानी है आपका? परेशानी ये है कि हम लोग का 9-10 यूनिट था, 2 यूनिट तो खत्म हो गया, जो 2 यूनिट बना ली। हाँ, अब 8 यूनिट बच गए जी। 8 यूनिट में एक बेटी का हम शादी कर ले, लेकिन बेटी मेरी ये पास अभी विदाई नहीं हुई है। ठीक है, उसमें एक यूनिट कम दिया, उसके बाद एक यूनिट पर 5 किलो अनाज मिलता है ना? मिलता है। 36 किलो अनाज दिया, एक यूनिट भी गायब हो गया मेरा। 36 किलो अनाज दिया यानी 9 किलो अनाज मेरा। आप यहाँ आते हैं किस काम से आते हैं? इसी काम से आए थे कि हमको अनाज कम मिलता है जी। आपका डीलर कौन है? डीलर है राजा करके, बबलू नाम है, जहांगीर डीलर का बेटा है। बेटा है तो यहाँ ऑफिस में सर से आपको भेंट नहीं होता है? जी नहीं, ऑफिस में कई बार गए तो ताले बंद देखते हैं। ताले बंद देखते हैं जी जी। क्या नाम अभी आपका? राजू मंडल। क्या काम है आपका? लाल पीला काट रहे लक्ष्मी वगैरह काट रहे, हमारा दाल अनाज नहीं मिलता है इस पे। ये तो राशन कार्ड अंत्योदय वाला है, कार्ड अपन नहीं आया है। देखिए सर, हम लोग जो आए हैं जब भी ऑफिस आए, जय बार भी आए, आज साल भर से हम लोग ऑफिस आ रहे हैं। ऑफिस में आपका तो ये राशन कार्ड का ये राशन कार्ड हम लोग का हमने नेट से निकाला है सर, हम लोग को कार्ड नहीं मिला, ये नेट से हमने निकाला। इस पे आपको अनाज मिल रहा है? अनाज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आप सर से बोले हैं? हम सर से भी बोले हैं, वीडियो सर से भी बोले हैं, बोला वीडियो साहब कि आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, मगर ऐसा 3 महीने से हमको वीडियो साहब खाली चाल बलार कर रहे हैं। हम जिला परिषद को भी बोला, जिला परिषद से भी हम बोला तो जिला परिषद कह के जाइए, आप महापदाधिकारी आए हुए हैं, आप जाकर के उससे पूछ जात करिए। हम जब भी जय बार भी हम आए जिला परिषद से पूछा तो कह के पदाधिकारी से जाकर पूछिए, तो हमने ना जब भी आते हैं तो एमओ साहब का ऑफिस हमेशा बंद पड़ता है, कभी खुलते हुए नहीं देखा कि एमओ साहब का ऑफिस। देखिए ढांचा क्या है एमओ साहब का ऑफिस का, ये ढांचा देखिए क्या है, झाड़ू तक नहीं मारा जाता, क्या आलम होगा हमसे, हम गरीब लोग का ऑफिस क्या है, 6 यूनिट के वजह में देखिए ना 3 हो गया है, ये क्या आलम है, ये ऐसा ऑफिस हम लोग कभी जीवन में नहीं देखा है। ये 6 यूनिट के बदले में 3 यूनिट दिया गया, ये हमारा पूरा फैमिली है। मोहम्मद कुमैल मेरा नाम हुआ, मेरी पत्नी का नाम भी नसीमा है। कहाँ से हैं आप? माछीपुर इंग्लिश लाइन 11 नंबर वार्ड से। आपका वो डीलर कौन है? हमारा डीलर मोहम्मद अफजल आलम। तो मतलब आपको क्या कहता है, आपका अनाज नहीं आता? आपका अनाज नहीं आ रहा, हम वितरण नहीं को उठा रहे हैं आपके अनाज को, हमने हम वितरण नहीं किया, आप जाइए ब्लॉक में जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो साहब के पास आए थे, ये अधिकार लोग भी आए हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग का ये नेट से निकाले हैं? नहीं ये दिया था, ये रिसीविंग मिला था, तो इसको नीचे रखिए जरा सा, चेहरा आने दीजिए। तो मतलब फोटो ले, क्या नाम हुआ आपका? बीवी फट जाना। क्या कहाँ से आए हैं? माछीपुर से। माछीपुर से। कौन है डीलर आपका? राजा डीलर, मोहम्मद अफजल है। तो क्या कहता है आपको? राशन मिलवे नहीं करा, बोलता आप लोग को नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ सर के सर को बोले हैं, शिकायत किए हैं उसका? वीडियो साहब से भी नहीं मिले हैं आप लोग? वीडियो साहब के पास भी आए तो बोला कि जो है इसका एमओ का काम है, तो वीडियो साहब को बोले कि एमओ का काम है। हाँ। तो एमओ साहब से आप लोग मिलवे नहीं किए? यहाँ तो ताला बंद है, 200 बार आए सर, 200 बार आज तक सर हम लोग एमओ साहब का शकल नहीं देखा, जितने राशन कार्ड बनवाए हैं आज तक शकल नहीं देखा है। वो तो लग रहा है कि आज तक देखते हैं पूरा एकदम झोल झाल। 2 बार हम आए यहाँ, एक बार छुड़ा हुआ नहीं मिला, आदमी को मिला, आदमी को नंबर मिला था। देखिए बोला कि इस पर नंबर, ये तो कार्ड नंबर है, राशन कार्ड नंबर है, ये नहीं देंगे, नहीं देंगे,
साफ बोला गया कि कार्ड नहीं मिलेगा तो आपको राशन नहीं दिया। 4 किलो अनाज मिलता है, बोले नहीं सर कार्ड कहाँ से मिलेगा हमको, जब ये मिल गया तो आप कार्ड इसके पास जाएं। बोला कि आप जाइए एमओ साहब के पास, एमओ साहब का वितरण करना है, आप वीडियो से मिलिए, एमओ से मिलिए। हम जब भी आते हैं एमओ के पास मिलने के लिए गोराडी प्रखंड में तो हमको नहीं दिखाई देता, ऑफिस में खोजते खोजते परेशान हो गया। वीडियो साहब से जब बार बार पूछते हैं तो वीडियो साहब यहाँ एक बार भी एमओ से भेंट नहीं होता है। 200 बार आए हैं, 200 बार आए हैं यहाँ, जब भी आए हैं ताला बंद पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम शाह। आप लोग सब कहीं गांव से हैं? हमारा डीलर है बलकिशोर सिंह, माछीपुर पंचायत। किसी को अनाज नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम लोग जाहिल आदमी कहाँ जाने गए, मशीन मिला है तो उसमें अंगूठा आप लोग लगाए हैं? अंगूठा लगाते हैं को बोल जाता, फिर उसके बाद कहता है ईठो हट गया उठो हट गया, खाली तुम ही है ऐसे बोलता है। अरे तो उसमें तो सिस्टम है कि आपका अगर अंगूठा उसमें अगर नाम कट भी गया है तो जितना आपके आदमी है वो सबका मिलेगा? नहीं मिलता है, 100 का गायब कर दिया। और इनूट भी कम कर दिया, प्रखंड जाइए, 9 किलो अनाज कम कर दिया सर। प्रखंड में 9 किलो अनाज कम कर दिया, 36 किलो मिलना चाहिए हमको, 45 किलो। वीडियो साहब से भी शिकायत किए तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं कि अब अभी हो जाएगा, आज आ जाएगा, कल जाएगा, भरोसा देता है। देख लीजिए बिल्कुल भैंस के बथान से ये कम नहीं है, काहे कि यहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ है, यहाँ पे आज तक कभी भी मतलब झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगा है, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, नाम का ऑफिस है, ये आलम है, ठीक है। 1.5 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक राशन कार्ड का कोई पता नहीं है।